सो हेलो गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग, यू आर वाचिंग ओ मिल्की व्लॉग्स। गाइज हम लोग कहाँ पे आए हुए पता है आप लोगों को? देखना एक बार नज़ारा दिखा दूँ, कहाँ जा रहे पता है आज की व्लॉग में? आज की व्लॉग में हम टूर करवाने वाले हैं कहाँ बोलबम की, कहाँ बाबा धाम झारखंड, जो कि है शिव जी की, वहाँ पे एक बहुत अच्छी टेम्पल। तो चलो गाइज मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो उससे पहले हम सब आए हुए हैं कहाँ पे? आए हुए हैं सुल्तानगंज आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग पहले नहाएंगे, जो कि ये है बिहार में सुल्तानगंज है, तो यहाँ से हम लोग नहाएंगे, उसके जल उठाएंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग कहाँ पे? बाबा धाम। तो ये रहा गाइस नदी, देख रहे हो बहुत बड़ा गंगा जी है। आगे देखो वो देखो ब्रिज, देख रहे हो वो देखो ब्रिज, कुछ ऐसा सा दिखता है, ये इधर से कुछ ऐसा दिखता है, देख रहे हो। और ये कुछ ऐसा रहा सीन, ये सब सारा भरा पड़ा रहता है। आप लोगों को सावन के टाइम में आप लोग आओगे तो आप लोग ज़रा सा भी खाली नहीं मिलेगा। सावन के टाइम में पूरा फूल रहता है, बहुत आदमी रहते हैं यहाँ पे, लाखों लाखों आदमी रहते हैं। बट अभी तो देख रहे हो, अभी मैं क्योंकि नॉर्मल डे पे आया हूँ, अभी दिसंबर का महीना आने वाला है तो कुछ ज़्यादा आदमी नहीं है। और ये देखो सब घर के आदमी सारे जा रहे हैं, ये रहे फूफा जी, ये रहे गोली हुआ, ये रहा भाई, तो हम लोग सारे फैमिली आए हुए हैं गाड़ी से आए हुए। हेलो गाइस, तो चलो गाइस मिलते हैं, कहाँ पे मिलेंगे? इसके बाद नहा धोकर के हम लोग कहाँ जाएंगे? चलो बोलो बोल बम जोर से एक बार, बोल बम, बोल बम दूर है जरूर है, बोल बम का नारा है, है। पूजा वूजा सारा चीज हो गया है, तो चलो अब हमने पूजा वूजा कर लिया, जल भी ले लिया, ये रहा जल। तो चलो मिलते हैं सीधा बम में। चलो भाई सब चलते हैं सुल्तानगंज से, हम लोग सब निकल रहे हैं, आ जाओ एक बार, जब कोई बोले जोर से बोल बम, बोल बम। तो गाड़ी वाड़ी सब रेडी है, चलो चलते हैं। नहा धोकर के तेरे भाई देख रहे हो ऑल सेट है, हैंडसम लग रहा है यार, गाड़ी में है। ये देखो फोटो से हमने फोटो शूट करवाया था, तो ये फोटो खिंचवाया, ये देखो फोटो कैसा लग रहा है आप लोगों को देखना है। चलो गाइस हमने पहुंच गए कहाँ, देवघर पहुंच चुके हैं, और ये देखो हमने रूम ले लिया ये वाला। तो अभी चलो जाते हैं एक बार देख करके आते हैं, टेंपल से घूम के आएंगे, टेंपल से घूम के आएंगे, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को टेंपल, अभी दिखाएंगे, मगर पूजा तो हम लोग सुबह करेंगे। गाइस देख रहे हो ये रहा पेरा का दुकान, फूफा जी पेरा चेक करते हुए, फूफा जी कैसा था पेरा? काफी मीठा था, काफी मीठा था, हाँ यार बहुत ज्यादा मीठा था यार। देख रहे हो देवघर में एंट्री करते साथ ही कुछ ऐसा सा सीन, अभी देख रहे हो भीड़ काफी कम है, क्योंकि नहीं तो ऐसे आओगे ना गाइस पता नहीं चलेगा आप लोगों को। चलो ना अभी दिखाता हूँ मैं, आगे चल के सारा चीज दिखाऊंगा। गाइस ये लो आ गए हम लोग कहाँ, बाबा धाम। आरती ले लूँ मैं पहले? तो चलो आरती ले लिया, और ये देखो ओहो हो, ये मेरा गाइस चौथा टाइम है, मेरा ये चौथा टाइम है, बड़ा मज़ा आता है यार, कितना सन्नाटा सा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा ही सन्नाटा है गाइस, मगर ये देख रहे होगे यही है।
बाबा धाम बोलो, बोलबम जोर से बोलो यार, बोलबम सब बोलना। देख रहे हो क्या व्यू है, ऐसा ही है गाइस। अभी आप लोग देख रहे हो इतना सन्नाटा दिख रहा है ना, ऐसा सन्नाटा नहीं देखने को नहीं मिलता है कभी भी। गाइस एक बार जोर से बोलो सब, बोलबम बोलबम बोलबम। तो आजा मैं दो चार फोटो क्लिक कर लेता हूँ, उसके सुबह तो आएंगे ही जल ढालने के लिए, पूजा सुबह करेंगे। अभी तो हम लोग बस आए घूमने के लिए, देखने के लिए। देख रहे हो यहाँ लाखों लाखों आदमी आते हैं यार, लाखों आदमी रहते हैं सावन के टाइम में, बट अभी सन्नाटा मिल रहा है जैसा होता है, क्योंकि ये देख रहे हो दिसंबर का महीना आने वाला है, तो अभी वैसा नहीं मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। तो चलो गाइस हमने नहा धो करके ऑल सेट, ये देख रहे हो सुबह 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 5 बजे नहाया हूँ और अभी निकल रहे हैं सब। देख रहे हो इतना लेट लगा रहे थे ना यार, एक एक करके नहाए जा रहे हैं होटल में, एक एक करके नहाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट लग गया। उसके बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं कहाँ, मंदिर जल डालेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं कहाँ, बासुकीनाथ निकलेंगे। तो चलो गाइस नहा धो, ये देख रहे हो ऑल सेट और ये सब रहा तुम्हारा भाई का। तो चलो अभी मिलते हैं सीधा कहाँ जा करके, मंदिर में जाके मिलते हैं। रात का नज़ारा तो वैसे मैंने दिखाई दिया था, तो सुबह का भी दिखाऊंगा नज़ारा आगे। ऐसा कहीं हो सकता है कि मेरे को ना फ़ोन ले जाने के लिए नहीं मिले। आप कहाँ से? यही थे भैया, हम सबकी गाड़ी भी आज जाते जाते रोड में का दिया लगना कब से स्टार्ट होगा। तो गाड़ी आ गया है, चलो हम निकल रहे। देखो ये रहा व्यू, वेदर अभी काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है, तो मज़ा आएगा दर्शन करने में भी। आई थिंक 6 बज रहा है ना, 8 बजे तक में हो जाना चाहिए पूजा, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, वो जो सावन वाली भीड़ है वो ऐसा भी नहीं होगा, मगर मज़ा आएगा आप लोगों को, इन्जॉय करोगे। आओ मज़ा दिलाते हो आप लोगों को एक बार बाबा वैद्यनाथ। आप इस बार को क्या घूमना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? इधर देखो कैमरा, इधर है, मेरे मुंह में नहीं है कैमरा। ये थोड़ा साई टाइप का है, बहुत ज़्यादा साई है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से धीरे धीरे, टुक 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 करके चल रही है गाड़ी। पुष्प हो गया, जल हो गया, और अंदर का ये देखो भाई भी है। अभी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, संकल्प अभी होगा, संकल्प लेना है, करना है, उसके बाद निकलते हैं। गाइस एक बात बताओ, इन्होंने बोला ये सारा सामान दे करके, इन्होंने बोला कि ना चलो अभी ना मैं टिकट करवा देता हूँ, टिकट से आपको ना डायरेक्टली वाली लाइन में पहुँचोगे आप, सीधा वीआईपी वाले सेक्शन में। इनका टिकट का कोई पता ही नहीं है। एक पंडा ने तो हमारे साथ धोखा किया, क्या कि ना हाँ हाँ आप इतने रुपये दे देना, आपको इतने रुपये में मैं वहाँ पर पहुँचा दूँगा डायरेक्ट लाइन पर, और टिकट भाई साहब ने दिया ही नहीं। दूसरा पंडा ने क्या किया, भाई आप रुको 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 करके हमारी यहाँ पे 15 मिनट बीत चुकी है, कोई ऐसा पता नहीं है उनका भी, मेरे को लग रहा है खुद दौड़ना पड़ेगा। ये वाला लाइन है थोड़ा वीआईपी कोटा वाला, इसके लिए चाहिए अपन लोगों को टिकट चाहिए, और टिकट भाई साहब ला करके दे नहीं रहे हैं, बना रहे हमारा, समझ जाओ। आगे मैं बोला नहीं चाहता, बाबा का दरबार है, आप समझ जाओ। भीड़ वैसे कुछ खास नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम है ना अभी, और 6 बजे गेट खुलता ही है जल ढालने के लिए। तो चलो आप मिलते हैं आगे, और क्या ही अपडेट दे सकता हूँ इसके रिगार्डिंग। ठीक है, उतना ज़्यादा अभी हाइप नहीं है, क्योंकि सावन का महीना नहीं है, वो सोमवार 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, अगस्त से फिर देखना भीड़ आपको क्या होता है। यही रहा टिकट, और ये देखो अंदर का 90% यहाँ पे जानते हो बिना टिकट का घुसा हुआ है सारे, उसकी वजह से हमारा भी लेट हो रहा है। ये रहा टिकट, यही है 250 का टिकट है ये। ये गाइस अपना वीआईपी कोटा, हम लोग निकल चुके हैं। इतना पूछ हो रहा था, पड़ा एगो को मार पड़ा है, एक लेडीज थी धक्का दे करके, भाई साला भाई वाला ये टिकट में घुस रही थी, इसके पीछे वो भी घुस रही है भाई।
लगता है यार, ये छोटा राइनोसोरस, ये देखो अंदर का भाई, देख रहे हो, ये रही बाबा की नगड़ी, दिख गया। और ये मेरा बिलपत्र उड़ रहा था अभी, फूल पुष्प जो बोलो, ये देखो नीचे का वाइब, और ये रहा ऊपर, छोटा लाइन है, थोड़ा अंदर जाऊंगा उसके बाद पंडित जी खुद आ जाएंगे, वो करवाएंगे अपने लोग को दर्शन। तो अभी चलो बोलते हैं बोलबम, बोलबम की नारा लगाते लगाते चलते हैं, बोलो बोलबम। वो देखो भीड़ देखो, भीड़ उसे बोलते हैं, ये देखो ये देख रहे हो आप लोग, ये देखो नजारा, और ये रहे बोलो बम बोल बम बोल बम। ये देखो आप लोग अंदर का नजारा देखो, ऐसा तो दिख रहा है, पता है मैं अपना फोन लाना भूल गया, मतलब कि अंदर में वहाँ पे जमा करवा दिए मेरे पेरेंट्स, और यहाँ पे देखो मैं अपने दूसरे मतलब कि ना इन लोगों से फोन लिया हूँ, तब जा करके मैं ये किया वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आ जाओ गाइस, बोलो बम बोल बम बोल बम। और ये लोग भाई बहुत मदद किए मेरे लिए, एक वीडियो दिया शूट करने, हर हर महादेव। ये देखो गाइस अंदर का नजारा कुछ ऐसा सा दिखता है, बाबा एक सहारा है, भीड़ तो काफी है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा ही, देख रहे पूरा सर गिर गया है यार, पता है सारा पानी मेरे सर के ऊपर, और मैं शिवलिंग के ऊपर, और मेरे ऊपर सारा पानी यार, काफी भीड़ है। चलो अच्छा था हमारा दर्शन, बहुत ज्यादा ही अच्छा गया, बहुत ज्यादा अच्छा। चलो अभी ये दर्शन करके हम लोग निकल गए थे, पंडित जी को जो देना था वो हमने दे दिया है, और चलो मैं थोड़ा दिखा दूँ आप लोगों को व्यू कैसा है यहाँ का, और ठीक है भीड़ तो काफी ज्यादा अच्छा था। गाइस हम सब जल चढ़ा करके आ चुके हैं, और अभी देखो धागा होगा सारा चीज बनवा चुके हैं, ये देख रहे हो, और जल चढ़ाए बहुत टाइम लगा था कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, मगर भीड़ तो अच्छा खासा था, नॉर्मल डे में भी अच्छा खासा भीड़ था। आप लोगों को आवाज़ आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी, आपको पता ही है कि मंदिर में बैकग्राउंड नॉइज आएगा ही आएगा। और ये देख रहे हो बुआ को शांत बैठी है एकदम, बोलिएगा बोल जब यहाँ या हाथ ही ला दीजिए, सब देखो सामने, सब जल लग रहा, थक गए, भूख लगा पड़ा है सबको, सबको भूख लग गया यार, इतने जल्दी भूख लग गया यार। मगर यार हमारे एक जगह जाना है, एक जगह यहाँ से क्या बोलते हैं उसको, बासुकीनाथ है, बासुकीनाथ भी जाना है, तो अभी बासुकीनाथ भी जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ पे जाके पूजा करेंगे, तो इसका मतलब लग रहा है कि 3 तो बच जाएगा, 3-4 बच जाएगा, भूखे रहना पड़ेगा। चलो एक टाइम का खाना का पैसा बचा, एक टाइम का खाना का पैसा बचा। तो चलो गाइस मिलते हैं, अभी आप लोगों को दिखा दूँ सुबह का, एक बार दिखा देता हूँ कि दोपहर में कैसा दिखता है। तो गाइस ये रहा कुछ ऐसा सा दिखता है, इधर देखो सारे लग रहा शादी वाले भी आए हैं, किसी का शादी हुई थी, नहीं नहीं वो भी आए थे, हाँ हाँ वो भी आए, भाई आपको फोटो खींच लेते हैं। प्रसाद भी हो गया, प्रसाद अपन लोग ले लिए है, पेरा उड़ा चूड़ा उड़ा सारा चीज़ ले लिया, और देखो लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है गाइस, बहुत बाहर में रोड के सामने से, ये देख रहे हो लाइन ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे अंदर तक चलते रहता है बहुत दूर तक। तो चलो गाइस हमारा सफ़र यहाँ से अब स्टार्ट हो चुका है, कहाँ के लिए, बासुकीनाथ के लिए, तो हम बासुकीनाथ चल रहे हैं पूजा वहाँ पे करने के लिए। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, अभी बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आगे बने रहे हमारे साथ। ये लोग बासुकीनाथ में एंट्री करते हुए देख रहे हो बाबा मंदिर, देख रहे हो, आ जाओ पहले हम लोग पैर हाथ भी थोड़ा सा धोना है, फूल वूल ले लेंगे, उसके बाद सारी चीज ले करके आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ का दर्शन करवाते हैं आप लोगों को, आ जाओ मैं भी दर्शन करूँगा, आप लोग भी कर लेना थोड़ा बासुकीनाथ। ये लोग गाइस ये रही एंट्री गेट, देख रहे हो आप लोग, पढ़ो ये पढ़ो, श्री बाबा बासुकीनाथ धाम ज्योतिर्लिंग, बहुत ज्यादा ठीक आने लग गए, देख रहे हो, ओहो
ये लो, ये है बासुकीनाथ की मंदिर। चलो बहुत बड़ा बात है, देख रहे भाई। चलो भैया, गाइस अब यहाँ से निकलते हैं, हमारा पूजा सब कुछ हो चुका है, अब निकलने के टाइम आ चुकी है। मेरे को थोड़ा सा लग गया गाइस सर्दी, तो क्या करें, अब बासुकीनाथ पहुँच करके सर्दी आ गई है, तो अब निकलने का टाइम आ चुका है। देखो निकल रहे हैं हम लोग, गेट से बाहर आ चुके हैं, और ये देखो तेरा भाई साइनिंग होते हुए, देख रहे हो यार, बहुत ज़्यादा साइनिंग कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा साइन कर रहा हूँ। इस प्रसादी भी खा लो आप लोग, पेड़ा, सब पेड़ा खाते हुए, तो कैसा लगा आप लोगों को बताना एक बार, मज़ा आया बहुत, कहाँ बासुकीनाथ में या बोलबम में, दोनों जगह मज़ा आया, तो एक बार सब जोर से बोलो बोलबम बोलबम। अच्छा बोल दिया, प्रसाद ले लिया भाई, प्रसाद बहुत खा रहे यार, बोलबम से खाते हुए आ रहे हैं और बासुकीनाथ तक खाते हुए आए, तो लो प्रसाद खाओ और जोर से एक बार बोलो बोलबम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय प्रसाद चोरी कर ली, देखो मैं प्रसाद उठा लिया, देख लिया देख लिया, ये देखो मेरी प्रसाद उठा ली है बुआ मेरी, खा ले, अरे ऐसे मैं हाथ में लेके जा रहा था ना। ये लो गाइस, सुबह से जाकर के अभी नाश्ता मिली है, क्या मिली है, पापड़ है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ बाबा ठीक है, वो रख लूंगा मैं यार। ये देखो गाइस, ये केला रखने के लिए मेरे को इतना मिल्की 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 मिल्की, मेरा ब्लॉक खराब करके रख पड़ा है। खा रहे हो ना आप लोग अच्छे से, ये देखो मैं पकौड़े खा रही हूँ, पकौड़े खा रही हूँ, खाओ अच्छे से फिर खाओ, बहुत जोर से भूख लगी है, हाँ सुबह से खाया नहीं ना हो, खा लो यार खा लो आप, तुम आइसक्रीम खा रहा है, ठंड लग जाएगी, तो ये रहा बंगाली ढाबे की नाश्ता है, ये क्या क्या दिए, ये सैलड दिए है, मूली की भुजिया दिए, पकोड़े दिए हैं, मिर्च दिए है, चना दिए है, मूढ़ी दिए, पापड़ दिए है, बहुत सारा नाश्ता यार, इसे खा के तो मेरा पेट भर जाएगा, इतना तो मैं अलग अलग खा नहीं पाऊँगा वेट, दैट्स थिंग। नाश्ता तो वैसे अच्छा है, कैसा है सुमल, टेस्ट कैसा है, तो चलो गाइस व्लॉग को इधर ही खत्म करते हैं, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू डू शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ और बहुत ही तगड़ा वीडियो के साथ, अगर जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूले, चलो बाय बाय।